Hello students, in the previous video we have seen the superposition of waves, clear? And we see that when two waves superimposes in the same medium, then their resultant come as the A is equal to under root A square plus B square plus 2AB cos phi. Correct. Where A is the amplitude of first wave, B is the amplitude of second wave and phi is the phase difference between the waves. इतना बात समझ में आ रही है? तो अगर इस तरह की टू वेव्स मीडियम में सुपर इम्पोज करती हैं तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड तो ये आता है, करेक्ट? अब अगर ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है, ये किस बात पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है यहाँ पर किस बात पर? दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस पर. फेज डिफरेंस का भी हमें डेफिनेशन तक नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि अगर एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट के साथ सुपर इम्पोज कर रहा है या एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ के साथ सुपर इम्पोज कर रहा है, तो उस कंडीशन पर जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है आपका? ये 0 degree होता है. ये बात समझ में आ रहा है? दूसरी चीज क्या है यहाँ पर? ये कि अगर एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो फेज डिफरेंस होता है ये कितना होता है आपका? ये 180 degree पर होता है. जिन दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस 0 degree का होता है, उन वेव्स को किससे बोलते हैं? कि दे आर इन सेम फेज. जिन वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस 180 होता है, तो इनको बोलते हैं, वो वेव्स कैसी हैं यहाँ पर आपकी? ये दैट इज योर आउट ऑफ फेज है. और जो फाई का जो एंगल होगा वो 0 से 180 के बीच में ही रहेगा, ना तो 0 से कम होगा ना 180 से ज़्यादा होगा. तो इसकी वैल्यू 30 भी हो सकती है, 45 भी हो सकती है, 60 degree भी हो सकती है. कुल मिला के 0 से 180 के बीच में फाई क्या करेगा आपका? ये वेरी करेगा. इतना बात यहाँ पर समझ में आ रही है? तो यहाँ पर इसे कुछ केस बनाते हैं आप. केस वन क्या है कि भाई जो दो वेव्स आपकी सुपर इम्पोज कर रही हैं, सपोज उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना हो जाए आपका? 0 degree. फेज डिफरेंस 0 degree का मतलब दोनों वेव्स किस में? सेम फेज में. फेज डिफरेंस 0 का मतलब एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट के साथ, एक का ट्रप दूसरे के ट्रप के साथ सुपर इम्पोज कर रहा, तो उस कंडीशन पर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा? तो इन द फॉर्मूला ए इज इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस फाई कितना हो जाएगा? फाई की जगह 0 रखोगे, कॉस 0 होता है 1, तो यहाँ पर आ गया 1. तो ये फार्मूला किसका बन गया? ये फार्मूला बन गया आपका अंडर रूट ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर. और जब ये फार्मूला ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर बनाइए, तो यहाँ पर सीधे से कितना आ गया आपका? ये ए प्लस बी, मतलब जो रिजल्टेंट वेव होगा उसका एम्पलीट्यूड डायरेक्टली क्या होगा? सम होगा उन वेव्स के एम्पलीट्यूड्स के जिनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है आपका? ये 0 degree. ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इस तरीके से ध्यान सुनो, बहुत ध्यान से देखना ये, कि सपोज एक वेव थी हमारे पास इस तरीके से, क्लियर? इस वेव का एम्पलीट्यूड कितना था यहाँ पर आपका? ये ए था, ठीक. मीडियम में एक दूसरी वेव थी जिसके साथ इसने सुपर इम्पोज किया. वो दूसरी वेव किस तरीके से थी आपकी? कुछ इस तरीके से थी, जिसका एम्पलीट्यूड कितना था यहाँ से यहाँ तक आपका? ये बी था. ये बात समझ में आ रही? और ये सुपर इम्पोजिशन किस तरीके से है? एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट के साथ, एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ के साथ. इसका मतलब यहाँ फेज डिफरेंस कितना है आपका? 0 degree. तो जो रिजल्टिंग वेव होगा उसका एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है यहाँ पर? ये ए प्लस बी आ रहा है. मतलब जो भी रिजल्टिंग वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड ए प्लस बी, मतलब ए में बी को ऐड करोगे और जो रिजल्टिंग वेव होगी वो कुछ इस तरीके से आएगी. आप भाई रिजल्टिंग वेव का जो एम्पलीट्यूड रहेगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका? ये ए प्लस बी हो जाएगा. ये बात समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम इसमें? डन. इसको छोटे से फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है. कैसे? कि हमें पता है कि अगर दो वेव्स अगर इस तरीके की हैं जिनके बीच में फेज डिफरेंस 0 है, तो नो डाउट पहले वेव का क्रस्ट है और ये किससे मिलने जा रहा है? दूसरे वेव के ट्रफ से मिलने जा रहा है. एक तरीके जो पिछला डायग्राम बनाया था वहाँ ए और बी एक दूसरे के ऊपर थे, तो यहाँ भी ऊपर ही है क्योंकि यहाँ बीच में प्लस साइन लगा. तो जो रिजल्टिंग वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? इन दोनों का सम हो जाएगा. दैट इज व्हाट? दैट इज योर ए प्लस बी हो जाएगा. इतनी बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम इसमें? डन. और यहाँ पर ध्यान समझना, ये कॉस जो एंगल होता है, ये जो एंगल होता है ये वेरी करता है कहाँ से कहाँ के बीच में? -1 से 1 के बीच में ये एंगल क्या करता है आपका? वेरी करता है. कोई पूछे कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1.
कोई पूछे कॉस की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, दैट इज योर माइनस वन। तो यहाँ पर जब फाई की वैल्यू अपन ने 0 डिग्री लिया तो कॉस क्या था, मैक्सिमम। यहाँ पर ध्यान समझना ही, ए इज इक्वल टू मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस फाई। तो अगर ए किस पर डिपेंड कर रहा है, कॉस फाई पर डिपेंड कर रहा है। अगर कॉस फाई मैक्सिमम होगा तो ए बी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो कॉस फाई मैक्सिमम था क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी रखी अपन ने, वन। वन कैसे रखी, तो अपन ने फाई की वैल्यू 0 रखा तो कॉस फाई 1 हो गया, और कॉस फाई 1 उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। इसलिए ए की ये कौन सी वैल्यू निकल के आ रही है आपकी, ये मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब क्या है ये, कि कोई भी रिजल्टिंग वेव होगी उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो एम्पलीट्यूड होगा वो एम्पलीट्यूड सुपर इम्पोजिंग वेव के एम्पलीट्यूड के सम के इक्वल होगा, और वो तभी इक्वल होगा जब दोनों वेव्स के बीच फेज डिफरेंस कितना होगा, 0 डिग्री होगा। अगर 0 डिग्री के अलावा कुछ भी फेज डिफरेंस हुआ तो कभी भी रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड उनके एम्पलीट्यूड के डायरेक्ट सम के इक्वल नहीं होगा। मतलब अगर इस सम की वैल्यू 10 आ रही है 0 डिग्री पर, तो किसी और एंगल पर उस रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड 10 से हमेशा क्या आएगा, आपका कम आएगा। बात समझ में आ रही है, इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। उसी डेरिवेशन के आगे केस फर्स्ट लिखोगे, ये लिखोगे, ये लिखोगे, ये लिखोगे, और इस डायग्राम को आप बनाओ। ये बात समझ में आ रहा है। ऑन कमिंग टू द सेकंड केस, सेकंड केस क्या कह रहा है यहाँ पर आपकी, ये कि अगर क्रस्ट का ट्रफ के साथ सुपर इम्पोजिशन हो जाए, मतलब दो वेव्स के बीच में एंगल कितना हो जाए 180 डिग्री, तो ये दोनों वेव्स किस में आउट ऑफ फेज है, तो हमें पता है एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना होता है आपका, ये 2ab cos phi होता है। ये बात समझ में आ रही है। यहाँ phi की जगह कितना रख सकते हैं अपन, 180 डिग्री रख सकते हैं ये। तो यहाँ पर phi की जगह 180 डिग्री रखोगे तो कितना हो जाएगा ये, क्योंकि ये चल रहा है केस 2, और केस 2 क्या है कि वेव्स आर आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज का मतलब फेज डिफरेंस कितना होगा, 180 डिग्री का। सो यहाँ पर जब वैल्यूज को पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो अंडर रूट ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 2ab cos 180, और cos 180 की वैल्यू होती -1, तो यहाँ का -1 यहाँ के प्लस के साथ जाएगा और क्या बना लेगा, माइनस बना लेगा। ये बात समझ में आ रही है। अंदर बनना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, या तो इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर लिख दो, या तो बी माइनस ए होल स्क्वायर लिख दो, कुछ भी लिख दो इसको। ये सो इसको लिख रहा हूँ मैं इस तरीके से, ये अंडर रूट ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो बाहर निकल के आ गया ए माइनस बी आ गया, एंड देट इज योर ए। तो ये एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू आ रही रिजल्टिंग वेव के, दोनों सुपर इम्पोजिंग वेव्स के एम्पलीट्यूड के सब्सट्रैक्शन के इक्वल, और ये तब है जब दोनों बीच में एंगल कितना 180 डिग्री, और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, और -1 कॉस की मिनिमम वैल्यू है। इसका मतलब कॉस अगर मिनिमम है तो एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, मिनिमम होगा। इसका मतलब क्या है कि जो रिजल्टिंग वेव रहेगी उस रिजल्टिंग वेव का सुपर इम्पोजिशन के बाद एम्पलीट्यूड मिनिमम बनेगा, कब, जब जिन वेव से ये मिलकर बन रहा है उन वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना हो जाए 180 डिग्री का। ये ए की कौन सी वैल्यू होती है यहाँ पर आपकी, मिनिमम हो सकती है। तो यहाँ पर अगर कोई पूछे कि जो एम्पलीट्यूड होता है रिजल्टिंग वेव का वो किसके और किसके बीच में वैरी कर सकता है, तो आप कह सकते हो सर वो जो वैरी करता है वो ए माइनस बी से किसके किसके बीच में वैरी कर सकता है आपका, ये ए प्लस बी के बीच में वैरी कर सकता है। मतलब उसकी वैल्यू ए माइनस बी हो सकती है जब एंगल कितना हो 180, अदरवाइज ए माइनस बी से ज़्यादा रहेगा, और उसकी वैल्यू ए प्लस बी हो सकती है कब, जब एंगल कितना हो 0 डिग्री, अदरवाइज उससे कम रहेगा, क्योंकि ये जो इसकी है ये इसकी कौन सी वैल्यू है आपकी, है दैट इज योर मैक्सिमम वैल्यू है, और ये इसकी कौन सी वैल्यू है आपकी, है दैट इज योर मिनिमम वैल्यू। ये बात समझ में आ रही है। अगर इसका एक ज्योमेट्रिकल डायग्राम बनाकर अगर इसको समझा जाए तो किस तरीके से समझ में आएगा, तो देखो यहाँ पर ये एक वेव ये है जिसका एम्पलीट्यूड कितना आपका ए है, ये उस वेव से मिल रही है जिसका क्रस्ट कितना है आपका, ये बी है। मतलब पहले का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ सुपर इम्पोज करने जा रहा है, एंगल कितना होगा 180 डिग्री। तो जो नई वेव बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी जिसका एम्पलीट्यूड ए माइनस बी हो जाए, ए में से इतना पोर्शन हटाओ तो इतना पोर्शन बचा, जो नई वेव बनेगी वो कौन सी बनेगी आपकी, ये वाली, दैट विल बिकम व्हाट, ए माइनस बी हो जाए। ये बात समझ में आ रही है। सो इसको थोड़ा सा और अच्छे से आप समझ सकते हो यहाँ पर इस तरीके से ये, कि सपोज हमारे पास एक वेव है इस तरीके से ये, दैट इज योर, जिसका एम्पलीट्यूड कितना यहाँ पर ए है, ये बात समझ में आ रही है। एक हमारे पास दूसरी वेव भी है इस तरीके से ये, इस तरीके से, जिसका एम्पलीट्यूड कितना है यहाँ से यहाँ तक आपको, ये बी है, सॉरी एक वेव इस तरीके जिसका एम्पलीट्यूड ए है, और दूसरी वेव इस तरीके से ये जिसका एम्पलीट्यूड कितना है आपका, ये बी है। एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ सुपर इम्पोज कर रहा, तो जो रिजल्टिंग वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, ए माइनस बी, तो ए में से बी को सब्सट्रैक्ट करो तो ए बड़ा है तो कुछ ऊपर ही बचेगा, ये आ जाएगी आपकी रिजल्टिंग वेव जिसका एम्पलीट्यूड कितना है यहाँ पर आपका, ये a माइनस बी।
आई होप ये पार्ट आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, और वो जो डेरिवेशन पिछले टर्म पे स्टार्ट किया था अब जाकर क्या हुआ, ये खत्म हुआ। द नेक्स्ट टॉपिक इज योर इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग वेव। सो द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग वेव इज व्हाट, व्हेन टू वेव सुपर इम्पोजेस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स, तो आफ्टर गेटिंग सुपर इम्पोज्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव इज हाउ मच, इट इज योर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा कॉस फाई। क्लियर, डन। अब अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरे बोलने की इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी का मतलब कि कितना तेज मैं बोल पा रहा हूँ, एक तरीके से ये समझो इंटेंसिटी का मतलब कितना तेज, मतलब स्पीड में नहीं, मेरी आवाज़ कितनी लाउड है, ये बात समझ में आ रही। कोई एक बंदा जो मेरे बगल में खड़े होकर बोल रहा है, तो वो भी उसकी भी आवाज़ में कुछ ना कुछ लाउडनेस होगी, लेकिन दोनों की लाउडनेस सेम भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। तो सपोज मेरी लाउडनेस अलग है, उसकी लाउडनेस क्या आपकी अलग, ये बात समझ में आ रही। जब दोनों एक साथ बोलेंगे तो दोनों की साउंड वेव मीडियम में आगे बढ़ेंगी, जब मीडियम में आगे बढ़ेंगे तो मीडियम में जाकर सुपर इम्पोज करेंगे, तो जो रिजल्टिंग वेव बनेगी, मतलब दोनों के साउंड का मिक्सचर वाली जो वेव बनेगी, उस वेव की लाउडनेस क्या होगी आपकी, दैट इज योर इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब बेसिकली साउंड वेव के रेस्पेक्ट में सुनो लाउडनेस, ये बात समझ में आ रही है, और लाइट वेव के रेस्पेक्ट में सुनो ब्राइटनेस, ये बात समझ में आ। जैसे एक रूम है, उस रूम में एक 100 वाट का बल्ब है, ऑन किया, करेक्ट, लाइट निकली और रोशनी हुई। फिर उसी रूम में अपन ने 0 वाट का बल्ब ऑन किया, ऑन करेंगे लाइट होगी रोशनी होगी, दोनों ही जगह लाइट वेव है, फर्स्ट केस में भी और सेकंड केस में भी लाइट वेव है। लेकिन मैं कहूँ कि किस कंडीशन में रूम ज़्यादा ब्राइट रहा होगा, जब आपने 100 वाट का बल्ब क्या किया होगा, ऑन किया होगा, और रूम डार्क रहा होगा, रूम डल रहा होगा, या रूम कम ब्राइट रहा होगा किस केस में, जब आपने 0 वाट का बल्ब क्या किया, यहाँ पर ये ऑन किया। तो ब्राइटनेस इज व्हाट, तो ब्राइटनेस मींस एक तरीके से इंटेंसिटी, जिस लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो लाइट उतनी ज़्यादा क्या होगी, ब्राइट होगी, और जिस लाइट की इंटेंसिटी जितनी कम होगी वो लाइट उतनी कम क्या होगी आपकी, ये ब्राइट होगी, ये बात समझ में आ रही है। तो इंटेंसिटी का मतलब क्या है, ग्रुपिंग ऑफ लाइट्स। जैसे यहाँ पर एक सिंगल लाइट है, अब ये सिंगल लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी तो ऑब्जेक्ट पर क्या कुछ शाइनिंग होगी, लेकिन अगर उसकी जगह 3 लाइट पड़ जाए एक साथ, ये 3 लाइट मिल गई ना, तो इस जोन में लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी आपकी, बढ़ गई। तो जहाँ भी जाएंगे वहाँ ब्राइटनेस क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। तो इंटेंसिटी बेसिकली लाइट के रेस्पेक्ट में देखना है, साउंड के रेस्पेक्ट में नहीं देखना है। तो यहाँ पर ध्यान समझना, जब टू डिफरेंट डिफरेंट ब्राइटनेस की लाइट, मतलब जो टू डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटीज की लाइट किसी मीडियम में जाकर सुपर इम्पोज करती हैं, तो हमें यह निकालना है कि जो फाइनल वेव बनेगी, जो रिजल्टिंग वेव बनेगी, उस रिजल्टिंग वेव की इंटेंसिटी कितनी होगी, बस समझ में आ रही है। और इंटेंसिटी के लिए एक चीज़ बहुत ही एक्सपेरिमेंटली रखा होता है हमारे पास, जिसको हमें केवल डाइजेस्ट करना पड़ता है, और वो ये है कि किसी भी वेव की इंटेंसिटी किस बात पर डिपेंड करती है। तो किसी वेव की इंटेंसिटी उसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि सपोज ये एक लाइन है, वेव ऊपर गई नीचे गई, फिर वेव ऊपर गई फिर नीचे गई, तो इस लाइन के वन साइड जितना मैक्सिमम जा सकती है, दैट इज सेड टू बी योर एम्पलीट्यूड। तो किसी भी वेव का जो आपका इंटेंसिटी होता है, किस पर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पर। वो प्रैक्टिकली देखो यहाँ पर, ये तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा होता है आपका, ये एम्पलीट्यूड स्क्वायर, मतलब किसी वेव की जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली क्या होती है आपकी, प्रोपोर्शनल होती है। ये बात समझ में आ रही है। इस कंसेप्ट का यूज करते हुए हमको क्या पढ़ना है, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग वेव के बारे में पढ़ना है, कि जो रिजल्टिंग वेव है उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर देखो जो फर्स्ट वेव है, करेक्ट, तो यहाँ पर देखो ये लेट, उसी के आगे ही डेरिवेशन चलता जाएगा, अभी डेरिवेशन खत्म नहीं हुआ वो, ठीक है, जो कर रहे थे पिछले टर्म में। लेट इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव इज आई वन एंड सेकेंड वेव इज आई टू, एंड इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग वेव इज आई। ये बात समझ में आ रही है। उसी डेरिवेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुआ, बस हेडिंग बार में उसी डेरिवेशन चेंज करते जाना। तो सपोज पहली जो वेव है उसकी इंटेंसिटी कितनी आई वन, और पहले का एम्पलीट्यूड कितना था, स्मॉल ए। दूसरी वेव उसकी इंटेंसिटी कितनी आई टू, उसका एम्पलीट्यूड कितना था, स्मॉल बी। रिजल्टेंट वेव का रिजल्टिंग इंटेंसिटी कितना है आपका, ये कैपिटल आई, और उसका एम्पलीट्यूड कितना था आपका, कैपिटल ए था। ये बात समझ में आ रहा। अब इसके आगे क्या करेंगे अपन, इस डेरिवेशन को थोड़ा सा प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन ये, दैट इज योर, वी नो दैट
कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। तो यहां पर देखो फॉर फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी कितनी आई वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका एम्पलीट्यूड कितना है आपका यहां पर ये ए स्क्वायर। इसको ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटा सकते हो ये, तो आई वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ये के स्क्वायर। यहाँ ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना कर सकते हो, आई वन डिवाइड बाई के कर सकते हो, और यहाँ ज्यादा से ज्यादा ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, अंडर रूट आई वन डिवाइड बाई के लिख सकते हो। ये बात समझ में आ रहा है। सिमिलरली किसके लिए देखना है यहाँ पर आपका, ये फॉर सेकेंड वेव के लिए देखना है। तो सेकेंड वेव के लिए आई टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड वेव पे एम्पलीट्यूड कितना लिया अपन ने, बी स्क्वायर लिया। तो यहाँ से आई टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा के बी स्क्वायर, और यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, आई टू बाई के। तो यहाँ से बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट आई टू डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, ये के आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। फिर यहाँ पर देखो फॉर रिजल्टिंग वेव, अगर यहाँ पर बात करते हैं अपन ये रिजल्टिंग वेव की, क्लियर, अगर रिजल्टिंग वेव की बात करते हैं तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये के स्क्वायर, और यहाँ से ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये आई डिवाइड बाई के। तो यहाँ से ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट आई डिवाइड बाई के हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखो कि वी नो दैट, क्या जानते हो आप, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपका, ये टू ए बी कॉस फाई, और अंडर रूट के अंदर होता है, करेक्ट। हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट की जो फाइनल वेव इक्वेशन होती है वो क्या होती है आपकी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखो सबकी वैल्यूज रखते हैं, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दोगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस फाई नॉट थीटा। फाई क्या है, फेज डिफरेंस है। ए स्क्वायर, ए स्क्वायर जो है क्या लिख सकते हो आप यहाँ से, आई वाई के। ए स्क्वायर, ए स्क्वायर जो है क्या लिख सकते हो यहाँ पर, ये आई वन वाई के। फिर बी स्क्वायर, इसकी जगह कितना लिख सकते हो आप यहाँ पर, ये आई टू वाई के प्लस टू। ए की जगह कितना लिख सकते हो आप यहाँ से, अंडर रूट आई वन वाई के। और बी की जगह क्या लिख सकते हो आप यहाँ से, ये अंडर रूट आई टू वाई के, और इंटू क्या हो जाएगा आपका, कॉस फाई हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। देखो के और के, के और के और के हर जगह से क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट। तो कितना बचा आपका, ये बचा आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन इंटू अंडर रूट आई टू इंटू कॉस फाई। इसका मतलब क्या है, ये कि अगर आपको दोनों वेव्स की इंटेंसिटी पता है तो रिजल्टिंग वेव की इंटेंसिटी क्या कर सकते हो आप, निकाल सकते हो। उसके लिए आपको ये चाहिए कि दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना। ये बात समझ में आ रही है। अगर दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस दिया जाए तो आप रिजल्टिंग वेव की इंटेंसिटी क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो थोड़ा सा और आगे इसको क्या करते हैं, अपन प्रोसीड करते हैं। तो यहां पर देखो, यहां भी कुछ केसेस कर रहे हैं आपकी। जैसे एम्पलीट्यूड में किया था सेम टू सेम केस। केस फर्स्ट, इफ फाई इज इक्वल टू जीरो डिग्री, फाई जगह कितना आ जाए, जीरो डिग्री आ जाए। सो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन इंटू अंडर रूट आई टू इंटू कॉस जीरो, कॉस जीरो हो जाएगा वन। ये बात समझ में आ रहा है। और अगर फाई की वैल्यू जीरो है तो कॉस फाई कितना हो जाएगा, वन। और ये इसकी कौन सी वैल्यू होगी बच्चा यहाँ पर आपकी, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ये बात समझ में आ रही है। अगर कॉस मैक्सिमम है तो आई भी कैसा निकलेगा, मैक्सिमम, मतलब ये आई की कौन सी वैल्यू है आपकी मैक्सिमम। ये बात समझ में आ रही है। तो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, जिसको आई वन को लिख सकते हो अंडर रूट आई वन होल स्क्वायर, आई टू लिख सकते हो अंडर रूट आई टू होल स्क्वायर, और प्लस लिख सकते हो टू अंडर रूट आई वन इंटू अंडर रूट कितना लिख सकते हो इसको आप, आई टू लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अंडर रूट आई वन प्लस कितना हो जाएगा आपका, ये अंडर रूट आई टू टू द होल स्क्वायर, और ये क्या आ गया आपका, ये आई मैक्सिमम आ गया। ये बात समझ में आ रही है। तो दो रिजल्टिंग वेव जब सुपर इम्पोज करेंगे तो इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब एंगल कितना होगा, फेज डिफरेंस कितना होगा दोनों के बीच में, जीरो डिग्री। और इधर सुनो, अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो पूछा जाए कि जो जोन होगा वो डार्क होगा कि ब्राइटर होगा। इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी जोन उतना ही ज़्यादा ब्राइटर होता जाएगा, तो इसका मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम है। तो जो भी मैं पूछूंगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम का मतलब क्या हो गया यहाँ पर आपको, ये ब्राइट।
नहीं, मैंने बताया था 100 वाट और 0 वाट में, तो ब्राइटनेस जहाँ ज्यादा होगी इंटेंसिटी वहाँ भी ज्यादा होगी, करेक्ट। अब यहाँ पर लेते हैं आपके केस सेकंड, लेते हैं यहाँ पर ही केस सेकंड क्या है आपको, ये कि फाइ इज इक्वल टू कितना हो जाए आपको, ये 180 डिग्री। और अगर फाइ 180 डिग्री हो जाए तो यहाँ पर देखोगे कॉस 180 की वैल्यू कितनी आ गई, -1। और कॉस की अगर वैल्यू -1 है तो ये कॉस की कौन सी वैल्यू होती है आपकी, मिनिमम वैल्यू होती है, करेक्ट। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, ये आई मिनिमम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको, ये I1 + I2 + 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा, I1 अंडर रूट I2 इनटू cos 180 होता है -1, तो -1 रखोगे तो यहाँ कौन सा साइन आ जाएगा आपका, माइनस साइन आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। I1 को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट I1 होल स्क्वायर। I2 को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट I2 होल स्क्वायर। a² + b² - 2ab यहाँ पर ये, तो ये आ जाएगा आपका ये अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 टू का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और ये इंटेंसिटी की क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू। देखो इंटेंसिटी की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू में परेशान नहीं होना है। इंटेंसिटी का जो मेन फार्मूला, वो मेन फार्मूला क्या है आपका, ये दैट इज योर I = I1 + I2 + 2 √I1 √I2 इनटू कितना है आपका, ये कॉस फाइव, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इंटेंसिटीज निकल रही है, जो भी इंटेंसिटी है, ये किस पर डिपेंड करती है, केवल कॉस फाइव पर। क्योंकि अगर वेव्स दो चल चुकी है मीडियम में तो उनकी इंटेंसिटी फिक्स है। पहली वेव की इंटेंसिटी I1 है, दूसरी वेव की इंटेंसिटी I2, उनके बीच में क्या चेंज हो सकता है मीडियम में, वो है उनके सुपर इम्पोज करने का तरीका। कभी हो सकता है 0 डिग्री रहे, कभी 30 डिग्री रहे, कभी 80 डिग्री, कभी 180 डिग्री। ये बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये जो फाइनल जो वेव बनेगी उसकी इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, दोनों वेव्स के सुपर इम्पोजिंग एंगल पर। किस एंगल पर दोनों वेव्स क्या कर रही है, एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रही है। अब अगर यही एंगल मैक्सिमम होगा इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और अगर यही एंगल मिनिमम होगा तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी, ये मिनिमम हो जाएगी। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें, डन। अब यहाँ पर क्या होता है, ये ध्यान समझना। ये कहेगा इतना हो गया ये डेरिवेशन। यहाँ पर कहता है कि एक क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है, उस न्यूमेरिकल में क्या होता है कि इसको बोल देते हैं इक्वेशन वन और इसको बोल देते हैं इक्वेशन टू। तो पूछता है इक्वेशन वन डिवाइड बाई इक्वेशन टू का क्या बताओ रेशियो। कहेगा एक वेव है जिसका एम्पलीट्यूड A1 है, एक दूसरी वेव है जिसका एम्पलीट्यूड A2 है। ध्यान समझना, दोनों वेव्स का क्या दे रखा है, एम्पलीट्यूड। कहेगा इनकी मैक्सिमम इंटेंसिटीज और मिनिमम इंटेंसिटीज का रेशियो बताओ कितना है। ये बात समझ में आ रही है। सो यहाँ पर देखो क्या ये आई मैक्स और आई मिन है, तो यहाँ पर क्या लेते, इनका रेशियो लेते हैं। आई मैक्सिमम डिवाइड बाई आई मिनिमम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट I1 + √I2 टू द होल स्क्वायर, होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, अंडर रूट I1 - √I2 टू द कितना हो जाएगा आपका, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले एक इक्वेशन लिखी थी आपने, ये कि I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A²। ये बात समझ में आ रहा है, I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A²। फिर आपने लिखा था इसको ये कि I1 इज इक्वल टू KA²। और सिमिलरली आपने लिखा था I2 इज इक्वल टू KB²। क्लियर। सो यहाँ पे इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे, ये कितना आई मैक्सिमम डिवाइड बाई कितना यहाँ पर, ये आई मिनिमम, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट I1, अंडर रूट I1 ये कितना लिख देंगे KA², अंडर रूट KA² प्लस कितना आ जाएगा अंडर रूट KB² होल स्क्वायर, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा अंडर रूट, दैट इज योर KA² माइनस अंडर रूट हो जाएगा KB² टू द होल स्क्वायर। अंडर रूट के से अंडर रूट के पूरे में से कैंसिल हो जाएगा। ये बचा कितना यहाँ पर, देखो ये हो गया आई मैक्स डिवाइड बाई कितना हो गया यहाँ पर आपका, ये आई मीन, तो ये आ गया यहाँ से अंडर रूट A² का हो गया A + B टू द होल स्क्वायर डिवाइड बाई A - B टू द होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है। इसका मतलब अगर हमारे पास दो वेव्स दी जाएँ जिनके एम्पलीट्यूड हमको दे दिए जाएँ, ये बात समझ में आ रही है। हमारे पास दो वेव्स हैं जिनके क्या दिए हुए हैं हमको, एम्पलीट्यूड दिए हुए हैं कि एक एम्पलीट्यूड A है, दूसरे का एम्पलीट्यूड B है। और एम्पलीट्यूड देने के बाद पूछता है कि उनकी मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो कितना होगा। इस रेशियो को अपन इस तरीके से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है। ओके, थैंक यू। रीज़न ये कि अगला टॉपिक बहुत ही बड़ा, इंटरफेरेंस शुरू करना है। और 1, 2, 3 इस वीक में इस चैप्टर को क्या करेंगे अपन, फिनिश करेंगे। ओके, थैंक यू।